हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये टॉपिक आपका बेस बनाता है जब आप फिजिकल एप्लीकेशंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पढ़ने जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये चीज आनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको इसका कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेशेंटली पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपने उतना कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा बड़े इजीली कर लेंगे। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का एग्जांपल्स में आपको कराऊंगा। सो कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद भी आपको आगे के दो जो वीडियोस रहेंगे उनमें एक एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तीन न्यूमेरिकल अगर आपने सीख लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से कर पाएंगे, और यही आपका दिस विल ले द बेसिक फाउंडेशन फॉर फिजिकल एप्लीकेशंस। जो कि आपका पढ़ना होता है आपको डिफ्यूजन इक्वेशन, लैपलास इक्वेशन और आपकी जो वेव इक्वेशन, ये आपको तीनों पढ़नी होगी। तो बेस यही है, वहां भी यही होगा, तो यहां ये चीज आपको पेशेंटली सीखनी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक आपको दिख रही है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आपका यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सो यहां पर अगर मैं देखूं, अगर इसे सॉल्व करना है तो यहां पर जेड एक डिपेंडेंट है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। कुछ भी हो सकता है, एक्स और टी इंडिपेंडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, मतलब कभी मान लीजिए जैसे मैं कहूं कि डिस्टेंस और टाइम पे कोई इक्वेशन डिपेंड कर रही है, तो वो जो है जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिस्टेंस और टाइम हो सकते हैं या फिर किसी भी तरह वो हो सकता है। तो बेसिकली आपको समझ आया कि एक डिपेंडेंट है और दो इंडिपेंडेंट है। अब आपको जो करना है स्टेप है, सबसे पहले व्हाट यू डू इज इन दिस मेथड द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो ये फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है खुद, ये फंक्शन को वी टेक इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लेंगे। अब जैसे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप उसी का ले लीजिए, बड़ा एक्स और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब क्या करेंगे, आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपको बेसिकली ये और ये निकालना होता है। ये दो फंक्शंस को आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में, और जो आंसर आता है वो आपका सॉल्यूशन होता है। अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन होता है। तो बेसिक यही है कि कुछ भी अगर यहां पर दे रखा है तो इसको मैं ऐसे ले लेता, या फिर मान लीजिए यहां पर t होता तो दो जो मेरे फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट लेना है मेरे को, ये जो मेरा एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स टू सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 ∂u/∂x + 2 ∂u/∂y = 0। ये मेरे को इनिशियल कंडीशन दे रखी है, ऐसे ही कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। अगर नहीं भी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना कंडीशन के फिर सॉल्व करेंगे। तो अगर ये जो है इसको सॉल्व करने के लिए मैं अभी आपको पूरा मेथड बताऊंगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको एक हर एक माइन्यूट स्टेप भी मैं आपको करूंगा दिखाऊंगा, बट आगे के वीडियोज में वो माइन्यूट स्टेप्स मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत बेसिक है। यहां पर मैं दिखाऊंगा, आगे नहीं दिखाऊंगा, तो आप आगे के वीडियोस को आप देखते रहिएगा जो मैं माइन्यूट स्टेप्स बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो स्टेप नहीं दिखाने होते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखना होता है। तो यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है 3 ∂u/∂x + 2 ∂u/∂y = 0। सो बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वी लेट यू इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन ऑफ एक्स और वन ऑफ वाई यहां पर मैंने ले लिया। तो क्योंकि यहां पर जो आपके
इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे एक्स और वाई, तो जो यू है आपका उसको मैंने लिया फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई का मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या है, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली इन दोनों की वैल्यू फाइनली निकालनी होगी आगे जाके। बट पहले स्टेप में मेरे को क्या है, यहां पर ये जो है मेरी इक्वेशन लेट से वन, इसमें मैं इसके हिसाब से पुट करूंगा चीजें। अगर अब इसको देखूं तो यहां पर डेल यू इज इक्वल टू या फिर इसको अगर मैं अभी ऐसे ही कहूं यही होगा डेल यू बाय डेल एक्स मेरा ये है। इसको ये माइन्यूट स्टेप है जो मैंने आपको बोला था, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। तो यहां पर ये चीज हो गई। अब डेल यू बाय डेल वाई अगर मैं देखूं यहां पर तो वो होगा y ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ले लीजिए। यहां पर आपका x तो एज इट इज रहेगा बट dy बाय dy कुछ इस तरह से आपका हो गया। अब इसको और रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूं, आई होप ये क्लियर होगा। ये आपको हर बार शो नहीं करना होता, आप क्या करते हैं सीधा लेते हैं पहले में लेट एंड देन आप करेंगे कि 3 डेल यू बाय डेल एक्स, तो आपकी जो इक्वेशन है ये लिखने के बाद आप लिख देंगे सीधा देन इक्वेशन वन बिकम्स क्या बन जाएगी 3 डेल यू बाय डेल एक्स क्या है आपका प्लस 2 डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप सॉल्व करना है इसको चालू करेंगे। तो ये चीज जो है आपको हर बार शो नहीं करनी है, मैं भी हर बार आपको नहीं दिखाऊंगा, ये एक बेसिक है जो आप स्किप करना होता है स्टेप। हालांकि ये बुक्स में भी नहीं होगा बट पूरा कैसे हुआ है मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है। So, जो मैंने निकाला था यहां पर अब लिख लिया है। अब इसको आप देखेंगे, अब मुझे यहां पर इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा। कैसे करेंगे देखिए, 3 एक्स डैश और यहां पर इज इक्वल टू के ले सकता हूं। कैसे, क्योंकि मैंने यहां पर अगर इसको इधर भेजूंगा और फिर वहां से x नीचे ले लिया और इधर से y नीचे ले लिया, इक्वल टू मैंने k मान लिया। अब क्या है, ये आपको करना होता है, आपको सारी चीजें मतलब x वाले एक जगह y वाले एक जगह ऐसे लाने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इक्वल टू आप k रख लेंगे। अब क्या है, आप सॉल्व करिए, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स और वाई की। इसको सॉल्व करने का अब मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं, पूरा जो इंटीग्रेशन होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट से ये इज इक्वल टू के है, यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 एक्स डैश, अब एक्स डैश आपका क्या था आप अगर देखेंगे तो वो था स्मॉल एक्स, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट बाय और 1 बाय एक्स यहां पर है, इस 3 को मैं इधर लिख देता हूं इज इक्वल टू के। नाउ इसको अगर देखूं तो ये डीएक्स इधर चला जाएगा क्योंकि मेरे को ये के डीएक्स हो गया और यहां पर डीएक्स बाय एक्स 3। अब क्या करूंगा, अब इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स। अब अगर मैं देखूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करूं तो यहां पर ही मैं अगर देख लूं इंटीग्रेशन तो 3 ये dx बाय x है तो ये log x आ गया
और यहां पर के खाली डीएक्स है कॉन्स्टेंट वन इंटीग्रेट हो रहा है यहां पर, तो यहां पर आपका एक्स आ गया। सो आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। अब इसको क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं छोड़ना है आपको, आपको करना क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाई करना होता है। तो थ्री लॉग एक्स अगर इसको देखूं तो मैं थ्री लॉग एक्स को मैं ऐसा कर सकता हूं कि लॉग एक्स यही रखूं के एक्स बाय थ्री। आपको पता है यहां पर बेस ई है, तो अगर ई के टर्म्स में लिखूं इसको तो दिस इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के एक्स बाय थ्री, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। मैंने आपको बताया था ना एक्स निकालना है और वाई निकालना है, तो बेसिकली सबसे पहले मैंने क्या किया कि उस इक्वेशन को इस तरह लिखा, इस तरह लिखने के बाद एक्स वाली इधर वाई वाली टर्म्स इधर। अब एक्स डैश बेसिकली क्या है, जो उसका डी एक्स बाय डी एक्स ही है, ये आपका जो फंक्शन है उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और यहां पर उसको इंटीग्रेशन करके ये आप स्टेप सीधे काट भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इसका अगर देखूं डायरेक्ट तो सीधा इंटीग्रेशन ये आने वाला है, आपको देख के ही पता लग जाएगा। दो तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देख के चीजें पता लग जाए करेंगी, तो आप इन स्टेप्स को भी स्किप कर पाएंगे। नाउ यहां पर भी देखते हैं, इसको अगर मैं देखूं तो टू डी वाई बाय डी वाई ये है और साथ में वन बाय वाई है इसके इज इक्वल टू के है। यहां पर टू वन बाय वाई डी वाई के डी वाई है, सेम पूरा प्रोसीजर चल रहा है। यहां पर भी अब इंटीग्रेट अगेन, इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो यहां पर आप देखिए दिस विल बिकम टू लॉग वाई के डी वाई का आपका वाई आ जाएगा। अगेन उसी तरीके से मेरे को यहां पर ये करना है, तो ये मेरा सिमिलरली दिस विल गिव, अच्छा यहां पर नेगेटिव वैल्यू थी, वो नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखिए, नेगेटिव मैं यहां लेना भूल गया, तो ये आपका आ जाएगा सीधा y विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर के y बाय टू, इतना ही। तो x ही आया y ही आया। सो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो। अब इन दोनों को इधर डालूंगा और सॉल्व करूंगा। सो नाउ मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं जो मेरे को यहां पर चाहिए थी, तो u इज नथिंग बट e रेज टू द पावर के x बाय थ्री e रेज टू द पावर के y बाय टू। मैंने पीछे प्रोसीजर पूरा किया था। इसके साथ एक आपका c आता है हमेशा, c क्या है आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैंने इंटीग्रेशन की थी तो वहां से कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आए थे, तो उसको मैं एज ए सिंगल कॉन्स्टेंट c मान रहा हूं। अब क्या है, अगर क्वेश्चन में कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई है तो ये मेरा आंसर है, दिस इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यहां पर आप छोड़ देंगे। बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन में मेरे को इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि u x जीरो इज इक्वल टू फोर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको अगर देखूं तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर अगर x जीरो है, इसमें अगर देखूं, इसमें अगर ये चीज डालता हूं तो ये मेरा हो गया u c e टू द पावर k x बाय थ्री और e टू द पावर जीरो, y मेरा जीरो हो गया, y मेरा जीरो हुआ तो यहां पर ये e रेज टू पावर जीरो इज वन। दिस जो मेरी इक्वेशन यहां पर आई है, लेट से इसको थ्री मान लेते हैं या टू जो भी है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा, ये भी यू एक्स जीरो है, इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो फोर ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर के एक्स बाय थ्री, सही बात है। अब इससे क्या है, मेरे पास सी आ गया फोर,
के आ गया माइनस थ्री, ये दो चीजें आ गई। अब इनिशियल कंडीशन जो है उससे क्या है कि मेरे को इनिशियली जो ये जो है सी और के, ये दो कॉन्स्टेंट्स पता लग जाते हैं। अब ये अगर मुझे पता लग गए तो यही चीज को मैं अगेन इक्वेशन थ्री में पुटिंग सी एंड के इन थ्री, इक्वेशन थ्री में अगर इनकी वैल्यूज को डालूंगा तो आ जाएगा मेरे पास u c की जगह 4 e रेस टू द पावर k, मेरा नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 3 x बाय 3 माइनस y बाय 2 मेरा फाइनल सॉल्यूशन बन गया। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहां पर और आप कर सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका और एक और स्टेप आप चाहें तो दिखा सकते हैं, 4 e टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर 3 वाई बाय 2 करके आप आंसर लिख सकते हैं। सो ये मेरा फाइनल आंसर है, इसी तरह आपका होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आगे भी मैंने दो वीडियो बनाए हैं, दो क्वेश्चंस कराए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप समझ लीजिए, कर लीजिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप फिजिकल एप्लीकेशन जो भी है इसकी, हीट वेव इक्वेशन जो भी आपकी है वो आप बड़ी इजिली कर लेंगे।